जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से इस कंपनी के बारे में कोई बात नहीं हुई है, इसलिए आज इसके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसका विकास कहाँ तक पहुँचा। अभी देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में तकरीबन आ चुकी, आज संडे है तो कोई यहाँ पर मूवमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रीन सिम्बॉल आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि शेयर में कहीं ना कहीं उछाल है। शुरुआत हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले कंपनी के काम, काम के बाद फिर फंडामेंटल और फिर चार्ट के माध्यम से टेक्निकल एनालिसिस करते हुए जानने का प्रयास करेंगे कि नए व्यक्ति के लिए और साथ में जिन लोगों का पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उनके लिए क्या नई रणनीति हो सकती है। तो शुरुआत सबसे पहले काम से करते हैं। देखिए, विकास इकोटेक के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी बार आपको बताया है कि कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल बनाने का काम करती है, केमिकल क्षेत्र में कंपनी काम करती है। आजकल आपको पता है कि जितने भी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे फैशन के प्रोडक्ट्स हो या जरूरी चीज़ें भी, उसमें सब में केमिकल्स का यूज होता ही होता है। तो काम के दृष्टि से देखें तो विकास इकोटेक का फ्यूचर काफी ब्राइट है। इसके अलावा यदि कंपनी के फंडामेंटल को डिस्कस करें तो सबसे पहले यहां पर शुरुआत कंपनी के मार्केट कैप से करते हैं। देखेंगे तकरीबन 308 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। हालांकि वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो स्टॉक का पीई काफी महंगा है, हालांकि पीने स्टॉक का पीई महंगा होता ही है। शेयर प्राइस देखेंगे तो शेयर प्राइस कंपनी के बुक वैल्यू से ज्यादा है, ये बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा कंपनी का आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों तकरीबन क्रमशः 6% और 4% के आसपास है। ये काफी कमाल की बात है कि इतनी छोटी कंपनियों का आर ओ सी और आर ओ ई देखेंगे तो माइनस में होता है, लेकिन उसके मुकाबले कहीं ना कहीं इसका जो परसेंटेज है आर ओ ई और आर ओ सी का ही काफ़ी कमाल का है। साल भर में आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी कुछ ना कुछ कमा के निकाल के दे ही देगी। देखेंगे कंपनी डिविडेंड नहीं देती, पेनी स्टॉक में डिविडेंड कोई अपेक्षा भी नहीं करता है पेनी स्टॉक से। और अब चलिए यहाँ पर एक साल के चार्ट पर समझते हैं कि एक साल के चार्ट पर कंपनी में क्या चल रहा है। देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस तकरीबन आपको दिखाई देगा 3.40 रुपये से लेकर 3 रुपये, इसी के बीच में कंपनी का शेयर प्राइस घूमते हुए नजर आ रहा है और काफ़ी दिनों से इसी के प्राइस, इसी मतलब रेंज में कंपनी का शेयर प्राइस घूमते हुए नजर आ रहा है। सवाल है कि इस रेंज भाव से बाहर कब निकलेगा और जब बाहर निकलेगा तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। प्रबल संभावना है कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी देखेंगे तो निचली लेवल से ऊपर जाकर ये कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। जब भी निचली स्तर से ऊपर जाकर कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड करता है और रेंज बाउंड में कुछ समय बिताता है तो उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, तो प्रबल संभावना है कि इसके बाद जब इस रेंज बाउंड से ये स्टॉक बाहर निकलेगा तो रेंज बाउंड से बाहर निकलने के बाद इस स्टॉक का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। सबसे पहले ये जो 3.60 रुपये का लेवल है इसको ईजिली ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये बहुत ही अपने R1 मतलब रेजिस्टेंस, जो पहला रेजिस्टेंस उसके करीब है। इसके बाद इसका शेयर प्राइस इजीली आपको 4 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है, जो कि कंपनी के साल भर का हाई है। तो 4 रुपये तक जो लोग इसमें बने रहना चाहते हैं वो भी बने रह सकते हैं, या शॉर्ट टर्म में जिनका नजरिया है 4 रुपये तक इसमें पैसा कमाने का, वो एक छोटा अमाउंट जितना रिस्क लेने की कैपेसिटी हो, पेनी स्टॉक में हमेशा वही पैसा लगाते हैं जो डूब जाए तो तनाव नहीं हो, उतना पैसा इसमें लगा सकते हैं। बाकी जो भी करेंगे अपनी रणनीति के हिसाब से करेंगे, मेरे कहने से कुछ नहीं करेंगे। तो चार्ट के माध्यम से तो ये पता चलता है कि रेंज बाउंड में है और रेंज बाउंड से बाहर निकलेगा तो स्टॉक ऊपर तरफ जाएगा। और ये सोने पर सुहागा काम करेगा कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, क्वार्टर फोर का रिजल्ट देख लेते हैं और उसके बाद अब तो पता है कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आएंगे। क्वार्टर वन का रिजल्ट भी यदि अच्छा आ गया तब पूछना ही क्या। तो चलिए सबसे पहले क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी के देख लेते हैं कि अभी जो कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर आए कैसे आए। ये रहा कंपनी के क्वार्टर फोर के, यहाँ पर मार्च क्वार्टर की यदि बात करें यानी कि क्वार्टर फोर की, तो देखेंगे कंपनी के जो सेल्स हुआ है मार्च क्वार्टर में तकरीबन 68 लाख के आसपास हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर मुकाबले देखेंगे तो काफ़ी कम है, यानी कि क्वार्टर फोर में कंपनी का जो नंबर ऑफ सेल्स है वो कम होते हुए दिखा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे क्वार्टर फोर के रिजल्ट में, तो चूंकि सेल्स कम हुआ है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको कम होते हुए दिखा है। पिछले 2-3 क्वार्टर से देख रहे हैं कंपनी का जो सेल्स है, सेल्स प्लस प्रॉफिट दोनों कम हो रहा है। हालांकि इसके बावजूद कंपनी के जो टेक्निकल एनालिसिस कहता है उसमें अभी भी मजबूती बना हुआ है। अब ये जो दोनों चीज़ है सेल्स और प्रॉफिट, ये यदि क्वार्टर वन के यानी कि जून क्वार्टर रिजल्ट जो आने वाले हैं इस मंथ में या अगले मंथ में जब भी आए उसमें यदि अच्छा आ जाता है तब इसके शेयर प्राइस में और ज़्यादा आपको छाल देखने को मिलेगा, जिसमें बताया 4 रुपये तक जाएगा, तो इस 4 रुपये से ऊपर भी जाते हुए दिख सकते हैं यदि कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट अच्छे आते हैं तब। बाकी ओवरऑल कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल भी ठीक है और क्वार्टरली रिजल्ट तो हर 3-3 वहाँ पर आते रहते हैं, तो उम्मीद होगा कि अगला आने वाला जो क्वार्टर रिजल्ट है वो अच्छा ही हो, तो उसके बदौलत स्टॉक को रॉकेट बनते हुए आपको दिख सकते हैं। बाकी जो कंपनी काम करती है उसका फ्यूचर भारत में है, तो इस लिहाज से भी इस कंपनी में बना रहना आवश्यक हो जाता है। बाकी आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिए, कुछ भी करने से पहले मेरे कहने पर कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में सवाल है शंका है तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।